हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल लाइट के सीक्रेट हाउस के बारे में। तो अगर आप, जैसा कि आप इस वीडियो के इमेज में देख सकते हैं कि इस हाउस में अगर आपका जोन बनता है और आप इस हाउस में सर्वाइव करना चाहते हैं या फिर आप ऐसे सीक्रेट हाउस के बारे में जानना चाहते हैं ताकि आपको चिकन डिनर बनने में हेल्प करे, तो सबसे पहले करना क्या है होगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और भी कई इस तरह की इस वीडियो के देखने के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में मैंने दो ऐप्स की लिंक दी हुई है, अगर आप उन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो उससे आपको अर्निंग होगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, तो हम आ चुके हैं फ़िलहाल यहाँ पे, थोड़ा सा लूट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारी लूट कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ से बस आपको जंप करके बाहर आता हूँ और इस तरह का आपको हाउस दिख जाएगा, जो कि विलेज के साथ में ये हाउस आपको दिख जाएगा। इस हाउस में अगर कहीं भी जोन बनता है, वैसे आपको पता ही होगा कि पबजी लाइट का स्मॉल मैप होने के कारण जोन कहीं भी बन सकता है। अगर आपका जोन इस एरिया में बनता है तो आप इस हाउस में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनिमी से किल हुए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, इस हाउस को आप ध्यान से गौर से देख लीजिएगा। इस हाउस में बहुत ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। अगर एनिमी आप पे रश करने वाला है तो उससे कैसे मारना है, उससे कैसे बचना है, इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर जाना है सीढ़ियों से। जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम चीज़ें रखी हुई है, थोड़ा सा इन्हें लूट लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे अगर छोटी सी एक खिड़की बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम थोड़ा नीचे उतर के देख सकते हैं। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि एनिमी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर वो एनिमी नीचे हम लेट जाते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा और खड़े होकर हम उसे किल कर सकते हैं। तो पहला हमारा सीक्रेट ये था। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाते हैं, तो पहला वाला ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ये तो बस ऐसे ही था। उसके बाद हम दूसरे वाले में आते हैं, तो दूसरे वाले में अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा जंप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम पे यहाँ पे शूट हो रहा है और हम इस एनिमी को आराम से यहाँ से किल कर सकते हैं। फ्रेंड, किल करने के बाद आपको सिंपली इस घर के इस कोने पे आ जाना है। कोने पे आने के बाद हम सिंपली इसके अंदर जा सके दोबारा से आ सकते हैं। तो अगर ध्यान से आप देखिएगा कि अगर छुपना होगा एनिमी से, वो रश कर रहा है आपके इस हाउस में, तो आप इस तरह से पीछे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि वो एनिमी कहाँ है, किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप सेफ देख सकते हैं, आसपास के घरों में भी झांक सकते हैं। फ्रेंड, तो हमारा ये काफ़ी अच्छा था दूसरा वाला। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला जो है काफ़ी डेंजरस सीक्रेट है, जो शायद ही किसी को मालूम हो। तो आना है दूसरे फ्लोर पे। दूसरे फ्लोर से आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो बूम गाइस, ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में किसी भी पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर इस सीक्रेट लोकेशन के बारे में बात नहीं की गई, आप पूरा यूट्यूब छान मार सकते हैं, आपको नहीं मिलने वाला है पबजी लाइट के ये सीक्रेट हाउस के बारे में। तो यहाँ पर आप अपने आप को हील कर सकते हैं और वो एनिमी आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आप यहाँ पे छुपे हो सकते हैं। फ्रेंड, तो ये काफ़ी सीक्रेट जगह है जिससे हम एनिमीज़ को मार भी सकते हैं बड़े आसानी से, और वो सोचेगा गोलियाँ पड़ कहाँ से रही है। तो इस तरह से अगर आप अगला ट्रिक जान के और भी चौंक जाएंगे, अगर एनिमी आप पे रश करने वाला है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही वो अंदर आएगा आप उसे गोलियों से छल्ली कर सकते हैं। फ्रेंड, तो ये भी ट्रिक काफ़ी कमाल का है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो अगला जो हमारा है, अगर आप टॉप पे आ चुके हैं, एनिमी को पता ही होगा वो टॉप पे ज़रूर आएगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि साइड में आके हम यहाँ से आसानी से उसकी नज़रों से छुप सकते हैं। फ्रेंड, तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।